हम निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया श्री किरोड़ीलाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी जयनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर मेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन में श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए और मैं आश्वस्त हूं कि त्रिभुवनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजनलाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजनलाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। दो उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजनलाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजनलाल जी। बाइट करेंगे बाइट। मोनू मेरे साथ आ जाओ। तो राजनाथ सिंह को आपने सुना, पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे राजस्थान और यहां पर ऐलान उन्होंने कहा कि विधायक दल के नेता के तौर पर भजनलाल शर्मा के नाम पर सभी की राय सुनाई ली गई, उनके नाम पर सभी एकजुट नजर आए और उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। पार्टी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रहे हैं भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री। पहले सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने आप तक खबर पहुंचाई। न्यूज 18 ने इस बार भी सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाई कि राजस्थान की कमान दी गई है भजनलाल शर्मा के हाथों में। भरतपुर के रहने वाले हैं भजनलाल शर्मा, सांगानेर से विधायक चुने गए, कांग्रेस प्रत्याशी को 48,081 वोटों के अंतर से हराया, उसके बाद जीत हासिल की और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां सभी उन्हें यहां फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए देखे जा सकते हैं। तो राजस्थान में भी हो गया मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान कब जीते उन्होंने युवा मोर्चा से स्टार्ट करके आज भाजपा पूरे राजस्थान के सीएम बनेंगे तो ये पूरे कार्यक्रम मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत बेकार नहीं जाती, बसरते वो दम से काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरे कार्यकर्ताओं को आज आप सोचिए, पहली बार जो विधायक बने उनको सीएम बनाया, ये मोदी जी का एक दूरगामी सोच है जिससे उन्होंने आज 2024 के, आपको बताना चाहूँ 2024 के 25 के द्वार पूरी तरीके से खुल चुके हैं।
भजन लाल एक बहुत भजन लाल जी मुख्यमंत्री बना दिया तो एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजकुमारी दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान यहां पर राजनाथ सिंह ने किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजकुमारी दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा ये उप मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है और साथ ही राजकुमारी दिया को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ये आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर यहां आप देख पा रहे हैं। राजकुमारी दिया सिंह डेप्यूटी सीएम होंगी और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। दो डिप्टी सीएम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यहाँ नाच रहे गा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जश्न की तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। भजन लाल शर्मा के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, सबसे पहले ये खबर न्यूज 18 राजस्थान पर ही हमने ब्रेक किया, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर मौजूद भी थे और सबसे पहले हमने ये दावा भी किया था कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारा अपडेट आपको न्यूज 18 सबसे पहले पहुँचाएगा। और तस्वीरें भी आप इस वक्त देख सकते हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर से ये तस्वीरें हैं और लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। जरा कैमरा इधर करिएगा, बात करेंगे। भजन लाल शर्मा के गाँव से है ये बीजेपी नेता और इनके भजन लाल जी गांव के हैं हमारे और बहुत ही अच्छे नेता हैं, सबके लिए काम करेंगे, किसान मजदूर पीड़ित दलित सभी 36 कौम के लिए काम करेंगे। ये पूर्वी राजस्थान के लिए गर्व की बात है। सब कुछ है, सब कुछ है, बहुत ज्यादा बहुत ही राज मेरे क्षेत्र से है, खुशी देखिए और भजन लाल जी काम करेंगे, सबसे बढ़िया बहुत ही बढ़िया है राजस्थान को।